बहुत अच्छी फिल्म थी एक्चुअली. एंड इरफान सर तो मतलब मेरे फेवरेट हैं. एंड द वे ही एक्टेड इन एवरी थिंग इट वॉज द अमेजिंग. एंड मूवी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है और बहुत इन्जॉय की. कैसी लगी आपको इरफान खान की एक्टिंग? वो तो जैसे मैंने बोला मेरे फेवरेट एक्टर है. सो यू नो उनके एक्टिंग हर बार वो सरप्राइज करते हैं, कुछ नया करते हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था. व्हाट वाज द केमिस्ट्री बिटवीन इरफान एंड कृति? आई थिंक व्हेन यू वॉच द फिल्म यू विल नो व्हाट द होल कॉन्सेप्ट इज अबाउट. द होल फिल्म ऑल द एक्टर्स एवरीबडी दे परफॉर्म रियली वेल. एंड यू नो लवली डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग. We talk about the songs and songs are very trending these days. So how was the song? Songs bhi achhe the actually, very well put and even the lyrics and everything bahut you know apt the for the film concept. Out of 5 stars? I think 6 out of 5 for me. Go Blackmail. Superb. I think everyone should go ahead and watch this. Irfan Khan is struggling with some medical issues right now. I think it's a very nice way to actually go ahead and basically go ahead and pay tribute to him. Superb job done and very nice story for sure. I think jo main gana hai main happy hu wo puri movie mein dheeme dheeme piche piche chala hai. I mean that is not in the movie, but apart from that I think story ka jo finally climax hai, the ending when he deletes his wife's number, it was superb. Very nice. Nothing as such. I think when he sits with his friend and tells the story that what exactly a man does when he sees his wife cheating on him, so that was very funny. So for sure should watch it. Sir, ये blackmail जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये blackmail बहुत ही अच्छी लगी. जो इसका starting से हमको पूरा movie को बांधे रखा हुआ और इसके जो गाने हैं और इसका क्लाइमैक्स है, जो स्टार्टिंग से एंड तक हमको पूरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, हम एक प्लग भी पलके नहीं जमके. क्योंकि रीज़न ये था कि जो इनका जो इरफान खान है, हमारे पूरे फ़ैन हैं हम उनके, इरफान खान साहब के. तो अभी रिसेंटली हम चाहते हैं कि मैं फिर से एक बारी मूवी देखूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ देखूँ. और जो मूवी का क्लाइमैक्स था वो बहुत ही अच्छा था और बांधे रखा था हमके, हम 2 मिनट भी नहीं. और जो स्टोरी था उनमें बीच बीच में हमको ऐसा फील हो रहा था हम जैसे कि घर में बैठे, हम स्क्रीन में नहीं बैठे, इतने खुल के दिल से हंस रहे हैं. कोई डायलॉग, पर्टिकुलर डायलॉग आपको पसंद आया या नहीं? इसमें जो डायलॉग जो थे वो डायलॉग इसमें ऐसे रिलेटेड नहीं थे डायलॉग कि डायलॉग की नहीं, वो तो याद नहीं है डायलॉग मेरे को. लेकिन गाना पसंद आया? हाँ, वो जो गुरु रंधावा साहब ने जो गाया, वो मित्रा दी जानते मरे, मिस्टर पटोला जो गाना था बहुत ही अच्छा गाना था. बहुत अच्छा लगा गाना सुन के, बहुत इन्जॉय किया हमने. सर, हम यही विश करना चाहते हैं, मैं भी पर्सनली विश ये करना चाहता हूँ कि अभी हमने मूवी देखी है, अगर मूवी को बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन हो, ऑटोमेटिकली उनको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा. और हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं. हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिकवर हो जाए वो अपनी सेहत के, जल्द से जल्द हमारे पास फिर से स्क्रीन. मैं 5 में से 4.5 स्टार दूंगा. बहुत अच्छी लगी. किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? इरफान खान ऑफ कोर्स. कोई गाना आपको पसंद आया हो? नहीं, ऐसा गाना कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया मुझे. गाने ठीक ठाक थे, सिचुएशनल थे मोस्टली, जो बीच में चल रहा था बैकग्राउंड में. और इरफान खान की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी बस. डायलॉग काफ़ी अच्छा लगा. नहीं, इसमें कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं है जो वन लाइनर्स होते हैं जो याद रह जाते हैं, वैसे वाले नहीं हैं. लेकिन वो सिचुएशन बेस्ड हैं सारे डायलॉग्स, जो नॉर्मल बोल चाल के हैं, तो फिर वो उस सिचुएशन पे ही बेस्ट लगते हैं. बाद में याद करके बोलने वाले वैसे डायलॉग्स नहीं हैं. इरफान खान की जो हेल्थ इशू है उसको क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिन बस भगवान से प्रे करता हूँ जल्दी से सही हो जाए बस. आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे? 4. कैसी लगी? अच्छी लगी. और एक्टिंग किसकी आपको बहुत अच्छी लगी? सबकी अच्छी लगी ऑब्वियसली, इरफान खान वो तो है ही अच्छा. सॉन्ग्स कैसे लगे आपको? सॉन्ग्स एक्चुअली इतना वो है नहीं, बैकग्राउंड में आता सब, और एक सॉन्ग है जो थोड़ा सा बीच बीच में आते रहते हैं, बट सॉन्ग्स भी ठीक है. अब फिल्म देखोगे ना, अभी एंटरटेनमेंट है बट ये मसाला टाइप फिल्म नहीं है कि हम जैसे एक्सपेक्ट करके जाते ना कि सॉन्ग देखेंगे, एक्शन देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. अब फिल्म जैसे ट्रांस है ना, ट्रांस में चले जाओगे, मतलब एक बार फिल्म शुरू हो जाएगा तो जब तक आपको भी समझ में नहीं आएगा कि एंडिंग क्या, अनफोल्ड नहीं होता है और लास्ट में अनफोल्ड होता है फिल्म. लास्ट तक मान कर रखा वो डायलॉग जो आपको काफ़ी पसंद है? वही, ऐसा कुछ डायलॉग नहीं है फिल्म में. कोई ऐसा सीन जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा? सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि जो ऑफिस में जो उनका चलता है ना,
उसको लेके टॉयलेट पेपर को लेके, तो उसमें कुछ सीन्स था, फनी सीन्स था, कॉमेडी सीन्स था, वही अच्छा लगा। इरफान जी काफ़ी लगा, मतलब लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं, उनकी कहना चाहेंगे? हाँ, दुआ करूँगा कि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अच्छा फिल्म है ये, तो शौक करो कमाएंगे शायद, मतलब मुझे लग रहा है फिल्म का ओपनिंग अच्छा हो, आज भी अच्छा था, मतलब मेरा तो भरा हुआ था, काफ़ी लोग थे, तो मुझे लग रहा है कमाएंगे जरूर। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देने चाहेंगे? 5 5 5